आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाया था। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, कौन सा, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स। ठीक है, मीन्स दो बल्ब को आपस में क्या करना है, कनेक्ट। ऐसे रहेगा, दो बल्ब आपस में क्या रहेगा, कनेक्टेड। ठीक है, चलिए आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आओ देखें क्या होता है बाबू। तो कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स में आपको दो केसेज आएंगे। कौन कौन केसेज आएंगे देखेंगे। केस वन में क्या, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, सेम। जब टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखें। जैसे यहां देखो बाबू, ये ऐसा और ये क्या चीज, ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं ये बल्ब क्या है, दिस इज बल्ब ए, और ये बल्ब क्या है, दिस इज बल्ब बी, बल्ब ए एंड बल्ब बी। अब इसको हम लोग बीच से क्या किए, एक स्टॉप कॉक डाल दिए। क्या डाल दिए, स्टॉप कॉक। ये क्या कहलाता है, दिस इज स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक का काम क्या है, स्टॉप कॉक का काम क्या है, ये दोनों बल्ब को आपस में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, सेपरेट। ठीक है, सिमिलरली जैसे एक हम लोग हॉल लेते हैं बाबू, हॉल के बीच में क्या कर दिए, दीवार। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग रूम, डिफरेंट रूम्स। ठीक है, सेम उसी तरह से। अब मान लेते हैं बल्ब ए में, बल्ब ए का वॉल्यूम क्या है, वी वन, कुछ भी हो सकता है। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इसमें क्या है, एन वन। प्रेशर क्या होगा, पी वन, और टेम्परेचर क्या है, टी। क्यों टेम्परेचर टी वन क्यों लिए, टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, सेम। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम वी टू, नंबर ऑफ मोल्स एन टू, पी टू, और ये क्या चीज, टी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसमें दो कंडीशंस आएंगे आपको। कौन कौन सा कंडीशन आएगा, कंडीशन वन। कंडीशन वन वो बोलेगा कि व्हेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज, क्लोज्ड। स्टॉप कॉक अगर क्लोज्ड है बाबू, तो ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, बल्ब ए और बी आपस में क्या होगा, सेपरेट। दोनों आपस में मिलने वाला नहीं है, ये सेपरेट, ये अलग काउंट करेंगे और ये भी क्या चीज, अलग काउंट करेंगे। मीन्स दो रूम आपके पास हो गया। ठीक है, तो पहला, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड। अगर स्टॉप कॉक क्या है, क्लोज्ड। स्टॉप कॉक अगर क्लोज्ड है तो क्या होगा, बोथ द बल्ब्स ए एंड बी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट बल्ब। दोनों बल्ब आपस में क्या होगा, सेपरेट बल्ब के जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, अगर सेपरेट हुआ तो इसका प्रेशर अलग, इसका प्रेशर अलग, इसका वॉल्यूम अलग, इसका वॉल्यूम क्या चीज, अलग। तो बल्ब ए के केस में हम लोग देखते हैं, बल्ब ए के केस में क्या होगा, P1 is equal to nRT, P1 V1 is equal to n1, और क्या चीज, RT। R तो गैस कॉन्स्टेंट सबके लिए सेम है, T है क्या चीज, टेम्परेचर। बल्ब बी के लिए देखें क्या होगा, P2 V2 is equal to n2, और क्या चीज, RT। दोनों के लिए अलग अलग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, ये कंडीशन हुआ कब, व्हेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज, क्लोज्ड। अब आओ बाबू दूसरा कंडीशन देखते हैं, बी, व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपेंड। ओपन, जब स्टॉप कॉक ओपन कर दिए, अब सोचो क्या होगा। जैसे ही स्टॉप कॉक ओपन कर दिए बाबू, तो यहां पे दो तीन कंडीशन अराइज हो जाएंगे। क्या चीज, अगर स्टॉप कॉक ओपन कर दिए तो क्या होगा, इधर से जिधर हायर प्रेशर होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर क्या होगा, गैस आपस में क्या होगा, मिक्स करना स्टार्ट हो जाएगा, मिक्स होना स्टार्ट। अगर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल। देखो पहला, प्रेशर ऑफ बोथ द बल्ब विल बी क्या चीज, इक्वल।
दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। अगर इधर प्रेशर ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, ओनली ऑक्सीजन है, ओनली नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, इधर हायर प्रेशर, हायर से कहाँ जाएगा, लोअर, और ये भी लोअर से क्या चीज, हायर। तो दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। दूसरी बात, सेकेंड, अब देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही आप इसको कंटेन, स्टॉप को आपको ओपन कर दिए, दोनों तरफ का सेम टेम्परेचर भी क्या है, सेम, ये जो कंटेनर होगा बिहेव करने लगेगा एज अ वन कंटेनर, एज अ वन कंटेनर। सिंपल सा बात सोचो, एक हॉल था, उसके बीच में आप दीवार डाल दिए, दोनों अलग अलग रूम, अब ये दीवार को आप क्या कर दिए, हटा दिए, हटा दिए, तो ये कैसे कंसीडर होगा, इक्वल टू क्या चीज, वन कंटेनर, एक कंटेनर के जैसा बिहेव करने लगेगा, सही है। तो क्या लिखेंगे, देखो, बोथ बल्ब ए एंड बी विल बी कंसीडर्ड एज वन कंटेनर, सो एक कंटेनर के जैसा बिहेव करने लगेगा, सो क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए। जितना पहले मोल्स था उतना ही मोल्स क्या होगा, बाद में होगा। अब एक ही कंटेनर है ना इस रूम में, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे पहले नाइट्रो ऑक्सीजन कितना था, 5 मोल, अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या था बाबू, 10 मोल्स, दोनों अलग अलग रूम में। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, खोल दिए, अब खोल दिए तो ऑक्सीजन भी चारों तरफ फैल गया, नाइट्रोजन भी चारों तरफ फैल गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, 5 से 10 मोल नहीं, 5 ही मोल रहेगा। नाइट्रोजन भी आपका कितना रहेगा, 10 ही मोल्स, मीन्स जितना इनिशियल था उतना ही क्या होगा, फाइनल मोल्स, इनिशियल और क्या चीज, फाइनल मोल्स ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, सो इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोल, जितना इनिशियल था उतना ही क्या होगा, फाइनल, सही है। इनिशियल कितना था बाबू, मान लेते हैं N1 प्लस क्या चीज, N2, फाइनल क्या होगा, मान लेते हैं N1 डैश प्लस क्या चीज, N2 डैश, ये इनिशियल और ये क्या चीज, फाइनल, सही है। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ N1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, P1 V1, क्योंकि PV इज इक्वल, यहां देखना PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, PV बाई क्या चीज, RT। तो N की जगह क्या लिखा जा सकता है, N की जगह, N1 की जगह P1 V1 बाई क्या चीज, RT, प्लस P2 V2 बाई क्या चीज, RT, इज इक्वल टू एन इनिशियल है, एन इनिशियल और क्या चीज, एन फाइनल, मीन्स आफ्टर, फाइनल वाला है बाबू। तो फाइनल में प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों कंटेनर का प्रेशर क्या होगा, इक्वल। तो क्या लिखेंगे बोलो, पी फाइनल PV V1 बाई क्या चीज, RT, प्लस क्या चीज, पी फाइनल V2 बाई क्या चीज, RT, सही है। बोलो RT, RT क्या हो गया बाबू, कट। तो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू पी फाइनल V1 प्लस क्या चीज, V2, V1 प्लस V2, सही है। इसको एक तरह से और एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, कैसे बाबू, देखना N1 प्लस N2, ये यूज होता है, बहुत इजी हो जाएगा, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 के ये हो गया बाबू, और N1 डैश और N2 डैश के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V1 प्लस V2 बाई क्या चीज, R और T, RT क्या है, कॉमन, ये रहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर सेम। देखो बाबू सुनो, अगर टेम्परेचर सेम है तो बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्टॉप क्लॉक क्लोज है तो दोनों साइड में क्या होगा, P1 V1 निकालेंगे। अगर स्टॉप कॉक क्या है, ओपन है, तो ओपन होगा तो क्या होगा, इनिशियल जितना नंबर है उतना ही क्या होगा, फाइनल, ठीक है। टेम्परेचर रिमेंस क्या चीज, सेम, ठीक है। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इससे हम लोग रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन है मैं बताता हूं, ये केस 1 वाला क्वेश्चन है बाबू। केस 1 में क्या था, टेम्परेचर इज क्या चीज, सेम, टेम्परेचर
टेम्परेचर इज सेम। ठीक है, देखिए दो बल्ब है ए और क्या चीज बी। ठीक है, अब ये 20 ग्राम हाइड्रोजन और 160 ग्राम क्या चीज ऑक्सीजन दिया हुआ है ए और क्या चीज बी। वॉल्यूम इसका 10 लीटर, इसका 15 लीटर, टेम्परेचर दोनों का क्या है सेम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैलकुलेट प्रेशर ऑफ बोथ द बल्ब्स व्हेन स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड। जब स्टॉप कॉक क्लोज्ड है तो प्रेशर क्या होगा दोनों कंटेनर का। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, वो अगर बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। ठीक है, चलो देखो, तो चलिए बनाइए आप लोग फास्ट, पॉज कीजिए बनाइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहले बात बल्ब ए में, बल्ब ए में बाबू अब बताओ नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ इज इक्वल टू, ये जरूरत पड़ेगा हम लोगों को बाद में, 20 बाय क्या चीज 2, 10 मोल है। और बल्ब बी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर O2 पूछा जाए तो कितना है 160 बाय कितना 32, कितना आ रहा है ये 5 मोल। हाउ मच 5 मोल, तो नंबर ऑफ O2 कितना है 5 मोल और एक क्या चीज 10 मोल। ठीक है, अब हम लोग बल्ब ए का प्रेशर निकालते जाना है। बल्ब ए में क्या होगा पी ए वी ए इज इक्वल टू एन ए इंटू क्या चीज आर टी। प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और क्या चीज आर इंटू टी। सही है, तो हम लोग को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चीज़ ए, पार्शियली प्रेशर हो गया ये इंडिविजुअल प्रेशर। चलिए पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू एन ए आर टी बाई क्या चीज वी ए। तो एन ए कितना है मोल है हाइड्रोजन 10, आर क्या हुआ 0.08, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, अब वॉल्यूम कितना है 10। सही है, ये 0.0 क्या है कट, कितना हो जाएगा 24 ना बाबू, ये कितना हुआ 0.8, 24 ATM आ गया। मीन्स प्रेशर ए में बल्ब ए में प्रेशर कितना है 24 ATM। अभी देखिए स्टॉप कॉक क्लोज है, दोनों आपका कंटेनर जो है अलग अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। चलो ठीक है, अगर पी बी निकाला जाए तो बल्ब बी में आया, देखिए बल्ब बी क्या होगा फॉर्मूला पी भी बी एन बी और क्या चीज आर टी। ठीक है, तो प्रेशर इन बल्ब बी क्या होगा एन बी आर टी बाई क्या चीज भी बी। बोलो एन बी क्या होगा नंबर ऑफ मोल 5, आर क्या है 0.08, टेम्परेचर बाबू 300 केल्विन, अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है 15। ठीक है, चलो बोलो कितना होगा 108 ATM। सही है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 8 ATM, चलिए 8 ATM, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लें। अब बताओ क्या होगा, अब आप जान गए ना यहाँ पे प्रेशर क्या है ए का ज़्यादा और बी का क्या है कम, तो क्या होगा आपका जो गैस होगा मूव करना स्टार्ट करेगा कहाँ से, कहाँ से बाबू बल्ब ए से क्या चीज बल्ब बी। मीन्स ये इधर से मैं आपका जो हाइड्रोजन है ए से क्या होगा बी में मूव करना होगा, और ऑक्सीजन जो होगा बी से कहाँ मूव करना चाहेगा ए में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड आपसे पूछेगा ये नोट कीजिए फास्ट, जल्दी नोट कीजिए बाबू, जल्दी नोट करो, हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन द स्टॉप कॉक इज ओपन।
सेकेंड, जब स्टॉप कॉक ओपन है तो प्रेशर क्या होगा? मिटा रहा हूं इसको। अब सोचना क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे ही आप स्टॉप कॉक ओपन कर दिए बाबू, तो ये कंटेनर बिहेव सच क्या चीज, सिंगल कंटेनर, सिंगल कंटेनर के रूप में क्या होगा, बिहेव करना स्टार्ट करेगा। तो आप लिख सकते हैं व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन बोथ बल्ब ए एंड बी विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंटेनर, सिंगल कंटेनर, सिंगल कंटेनर के जैसा ये बिहेव करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, मैंने लिखा है बता, इनिशियल इन इज इक्वल टू क्या चीज, फाइनल, एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल, एन इनिशियल क्या होगा बताओ, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन फाइनल, सही है। अब हमको बताइए बाबू, एन ए प्लस एन बी क्या होगा बताओ, 10 प्लस 5 कितना, 15, तो 15 इज इक्वल टू, और n फाइनल आपका है, n फाइनल इज इक्वल टू p फाइनल। अब जब कंटेनर्स इक्वल हो गया, एक ही कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 10 लीटर और इसका कितना, 15 लीटर, 10 प्लस 15 एक कंटेनर हो गया, बाय क्या चीज, r इंटू क्या चीज, t, r बाय t। तो क्या लिखेंगे, 15 इज इक्वल टू पी फाइनल, ये कितना हो गया 25, बाय आर कितना है बाबू, 0.08, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। तो क्या लिखेंगे बताओ, फाइनल प्रेशर क्या होगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 0.08 इंटू 300 बाय कितना 25, तो क्या होगा बताओ, हाउ मच, ये कितना बार में, 12 बार में जाएगा ना, 12 में, सही है, 12 में जाएगा, ठीक है। और ये बताओ बाबू, 60 12 18 180 इंटू 0.08 एटीएम, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही, ये फाइनल प्रेशर ऑफ द क्या होगा, कंटेनर, फाइनल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, सही है। तो ये केस वन हम लोग पढ़े, केस वन में क्या पढ़े, जब टेम्परेचर रिमेंस क्या चीज सेम। अब हम लोग केस टू में जाएंगे, क्या चीज, केस टू, केस टू, इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, डिफरेंट, नोट कीजिए इसको फास्ट, केस टू, पहले इसको नोट करो जल्दी से, आइए देखें केस टू, केस टू में क्या होगा। देखिए, दो ही तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी तरह से रहेगा, जब टेम्परेचर रिमेंस क्या चीज सेम। अब देखेंगे केस टू, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, डिफरेंट, केस टू, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब्स आर क्या चीज, डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट होगा टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा मैं बताऊंगा, चलो पहले देखो, देखो यहां, ठीक है, ये बल्ब ए हुआ, ये स्टॉप कॉक हुआ बाबू, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बल्ब ए हुआ, दिस इज बल्ब बी, यहां वॉल्यूम क्या होगा, बी वन, एन वन, प्रेशर पी वन, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, टी वन, इसका टेम्परेचर क्या है, टी वन, भी टू, एन टू, पी टू, और क्या चीज, टी टू, सही है। चलो अब यहां पे भी आपका दो केस अराइज होगा, फर्स्ट व्हेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज, क्लोज्ड, और दूसरा व्हेन द स्टॉप कॉक इज ओपन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाबू ए में, व्हेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज, क्लोज्ड। देखो अगर क्लोज्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों की राहें क्या है बाबू, जुदा, तो जैसे पहले पढ़ते थे सेम वही है। तो क्या होगा, व्हेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज, क्लोज्ड, तो क्या होगा,
बोथ द बल्ब्स विल बी कंसीडर्ड एज सेपरेट बल्ब. दोनों बल्ब जो होगा कंसीडर होगा एज अ सेपरेट बल्ब. अलग अलग बल्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर बल्ब ए में लेते हैं हम लोग, क्या चीज, बल्ब ए, तो क्या लिखेंगे, पी ए भी ए, पी वी इज इक्वल टू एन ए आर और क्या चीज टी. अच्छा वन लिख देते हैं, चलो पी वन वी वन एन वन और आर क्या चीज टी वन. अब यहां पे टेम्परेचर भी आपका क्या हो गया, डिफरेंट. आओ चले कहां पे बाबू, बल्ब बी में बताओ क्या होगा, पी टू वी टू इज इक्वल टू एन टू और क्या चीज आर टी टू. आर टी टू कब, वेन द स्टॉप कॉक इज क्या चीज क्लोज्ड. स्टॉप कॉक क्या है, क्लोज्ड. अब इसको पहले नोट करो, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए. अब जब स्टॉप कॉक क्या हो जाएगा, ओपन, तब हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्या होगा. चलो नोट करो जल्दी इसको बाबू, फास्ट. ठीक है चलो. दूसरा हम लोग देखते हैं व्हेन स्टॉप कॉक इज क्या चीज, ओपन. पहले ये देखिए, स्टॉप कॉक क्लोज आइदर टेम्परेचर सेम रहे या डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट करिए फास्ट. चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्या चीज ओपन. देखिए ध्यान से देखना बाबू, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा. देखना व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन. दो तीन पॉइंट, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज लिखा दे रहा हूं आपको कि बाद में दिक्कत ना होगा. अगर स्टॉप कॉक ओपन है तो फर्स्ट कंडीशन, प्रेशर ऑफ बोथ द कंटेनर, प्रेशर तो दोनों का इक्वल होने वाला है, कंटेनर विल बी क्या चीज इक्वल. प्रेशर ऑफ बोथ द कंटेनर विल बी क्या चीज इक्वल. दूसरा अब ये बताओ, जब टेम्परेचर डिफरेंट सेम था, स्टॉप कॉक को आपने ओपन कर दिया, तो वहां पे हम लोग कंसीडर करते थे क्या चीज, सिंगल कंटेनर. बट क्या यहां सिंगल कंटेनर के जैसा ये बिहेव करेगा, नहीं. क्यों बाबू, यहां पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा है और यहां पे टेम्परेचर, मीन्स यहां पे दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट. दोनों अगर टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो दोनों विल बी बिहेव एज अ क्या चीज, डिफरेंट बल्ब. यहां पे एक बल्ब होने वाला नहीं है, नहीं होगा, सही है. देखिए बाबू, सेकेंड पॉइंट, बोथ द बल्ब विल बी कंसीडर्ड एज, इसलिए बोला ध्यान से देखना, कंसीडर्ड एज सेपरेट बल्ब बिकॉज temperature of both the bulbs are क्या चीज different. दोनों बल्ब का क्या है, different. same रहता तो एक ही container हो जाता, लेकिन यहाँ पे temperature ही क्या है बाबू, अलग अलग. अगर temperature अलग है तो दोनों को क्या करेंगे, consider करेंगे different bulb की जैसा, ठीक है. third point देखेंगे, अगर अलग अलग है बाबू तो अब देखो, ये अलग और ये क्या चीज अलग. गैस जो होगा स्टार्ट मूव करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम कहां से कहां, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. गैस विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू क्या चीज, लोअर प्रेशर. अगर हायर से अगर लोअर जा रहा है, क्योंकि कंटेनर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है बाबू, तो एक में नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होगा, घट जाएगा, दूसरे में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा. हाँ या ना, बोले अगर कंटेनर सेम रहता तो दोनों आपस में इंटरमिक्स कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. लेकिन यहां पे अगर दोनों कंटेनर अलग अलग है तो क्या होगा, इधर से गैस मूव करना स्टार्ट करेगा इधर, तो एक साइड में नंबर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, कम, और एक में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, ज्यादा. क्यों, क्योंकि प्रेशर एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ क्या चीज कम. क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि दोनों कंटेनर को हम लोग मान चुके हैं क्या चीज, दोनों एक सेपरेट, एक डिफरेंट कंटेनर है, ठीक है ना. तो क्या होगा बाबू,
दूसरा गैस विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. सो नंबर ऑफ मोल्स एट हायर प्रेशर साइड विल क्या होगा? डिक्रीज. क्या हो जाएगा? डिक्रीज. एंड लोअर प्रेशर साइड विल क्या चीज? इंक्रीज. तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है. हायर प्रेशर साइड में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? घट जाएगा. और लोअर प्रेशर साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बढ़ जाएगा. देखो बाबू, यहां पर अब ये कंटेनर है, स्टॉप को आप ओपन कर दिए. ये मान लेते हैं N1 है और ये मान लेते हैं क्या चीज? N2 है. ठीक है. अब मान लेते हैं ये हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर है, और इधर क्या है? लोअर प्रेशर. तो गैस क्या होगा? मूव करना स्टार्ट करेगा. गैस विल क्या चीज? मूव. अगर गैस मूव करेगा तो क्या होगा? इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? डिक्रीज. और इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा, एक तरफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. इसी के नीचे लिखिएगा, मीन्स यहां पे मैं छोटा सा एक और बना देता हूं. देखिएगा बाबू, देखना सही है. क्या होगा बताओ? मैं उधर लिख देता हूं. पहले इतना नोट करो बाबू जल्दी से, मैं इसे मिटाऊंगा जल्दी से, फास्ट जल्दी. वहाँ वो मिटा रहा हूँ. ठीक है, बढ़िया से लिखता हूँ इसमें. उसके बाद मैं इसको देखता हूँ. ठीक है, चलिए देखिए बाबू क्या होगा. देखना, सही है. इधर मान लेते हैं N1 और इधर क्या चीज़? ये कौन सा प्रेशर है बाबू? हायर प्रेशर साइड मान लिए हम लोग. और ये कौन सा प्रेशर है? लोअर प्रेशर. ठीक है. अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? डिक्रीज. नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा. और इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? इंक्रीज. तो यहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? N1 माइनस क्या लिखेंगे? एक्स. N1 माइनस एक्स, एन फाइनल बोल दो इसको. क्या चीज? एन फाइनल क्या होगा? N1 माइनस क्या चीज? एक्स. घट जाएगा. और इधर एन फाइनल क्या होगा? N2 प्लस क्या चीज? एक्स. इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. तो यहां पे अब दो इक्वेशन आएगा, टू इक्वेशंस. कौन कौन? देखोगा टू इक्वेशन अराइज होगा. जैसे जैसे हम लोग क्लोज में करते थे, सेम यहां पे वही होगा. सेम चीज, दो इक्वेशन. यहां देखो, बल्ब ए में, बल्ब ए में पीवी इज इक्वल टू क्या चीज? एनआरटी. तो बोलो प्रेशर तो हमेशा दोनों का क्या होगा? फाइनल. पीवी दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा? इक्वल. पी फाइनल. भी क्या चीज बाबू? वन. ए लिख देते हैं, वन लिखा जाए. चलिए वन था. वन इज इक्वल टू एन क्या होगा अब यहां पर? N1 माइनस क्या चीज? एक्स प्लस आर. और यहां पे क्या चीज? T1. ये बल्ब वन में हुआ. अब बल्ब बी में देखेंगे. बल्ब बी में क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? सेम. फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V2. यहां N2 प्लस क्या चीज? एक्स और आर और क्या चीज? टू. ये इक्वेशन वन. यहां पर आपको क्या हुआ बाबू? दो इक्वेशंस आया, पी फाइनल, वी टू, एन टू प्लस एक्स और आर टी टू. तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा. तो अब देखिए यहां पे, अब हम लोग को क्या करना है? दो कंडीशन है. केस वन में टेम्परेचर रिमेन सेम, तो टेम्परेचर रिमेन सेम में कोई प्रॉब्लम नहीं था बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है. अगर टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तब,
तो देखिए, टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो स्टॉप क्लॉक क्लोज है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे डिफरेंट। बट अगर स्टॉप क्लॉक को हम लोग ओपन कर दिए, स्टॉप क्लॉक ओपन, तो फर्स्ट कंडीशन याद रखना, प्रेशर रिमेन्स क्या चीज सेम, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा दोनों कंटेनर में सेम, ठीक है। दूसरा, बोथ द बल्ब विल बी कंसिडर एज सेपरेट बल्ब। क्यों सेपरेट बताओ, एक तरफ का टेम्परेचर कम और दूसरे तरफ का टेम्परेचर क्या है ज्यादा, तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे हम लोग, अलग अलग होगा। अब समझिएगा, तो अलग देखो, अगर कंटेनर सेम रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब कंटेनर क्या हो गया डिफरेंट, अलग अलग हो गया, तो क्या होगा बाबू, गैस स्टार्ट्स मूविंग क्या हो, फ्रॉम हायर प्रेशर टू क्या चीज, लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर से क्या होगा, लोअर प्रेशर क्या करना स्टार्ट कर देगा, विल डिक्रीज। तो क्या होगा, जिधर हायर प्रेशर होगा वो उधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा डिक्रीज, और जिधर लोअर प्रेशर होगा वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा इंक्रीज। तो दो इक्वेशन आपको अराइज हो जाएगा, पहला देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा डिक्रीज, एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज इंक्रीज, ये हायर प्रेशर और ये क्या चीज लोअर प्रेशर, ठीक है। तो यहां क्या होगा, टू इक्वेशन, बल्ब ए में बी फाइनल प्रेशर तो दोनों का कंटेनर का क्या रहेगा रिमेन सेम, बी वन एन वन माइनस एक्स, एन वन इधर था, इधर से नंबर ऑफ मोल्स इधर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ज्यादा, इधर क्या चीज कम, आर टी वन, और ये क्या चीज एन टू प्लस एक्स आर टी टू, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया बाबू, चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो बाबू आपको याद क्या रखना है, दो कंडीशन, केस वन और केस टू, टेम्परेचर रिमेन सेम और टेम्परेचर अगर क्या होगा डिफरेंट होगा तब। तो देखिएगा, जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया, कैलकुलेशन खुद से करना तुम लोग बाबू, 20 ग्राम क्या चीज H2, यहां पे क्या है 160 ग्राम क्या चीज O2, सेम ले रहे हैं, ठीक है बाबू सेम, ठीक है। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 लीटर, इसका भी वॉल्यूम क्या मान लिए 15 लीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना 300 केल्विन, एंड इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना 400 केल्विन। तो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन स्टॉप क्लॉक इज क्लोज्ड, जब स्टॉप क्लॉक क्या होगा क्लोज्ड, तो दोनों सेपरेट होगा, बोथ द बल्ब विल बी क्या चीज सेपरेट। तो बल्ब ए में क्या होगा बोलेगा, पी ए भी ए इज इक्वल टू एन ए और क्या चीज आर टी, ठीक है। पी ए कितना होगा बताओ, प्रेशर हम लोग को निकालना है, वॉल्यूम कितना है 10, एन ए कितना था इसमें, अगर एन ए निकालेंगे तो क्या होगा 20 बाई क्या चीज 2, कितना मोल बाबू 10 मोल, 10 × 0.08 इंटू टी कितना है 300 केल्विन। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कैलकुलेट किए थे बाबू, तो पार्शियल प्रेशर कितना आया था ए का, कितना आएगा 24 ATM, 24 ATM, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, आइए सेकेंड, बल्ब बी में क्या होगा, बल्ब बी का प्रेशर इसमें तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप कॉक क्या है क्लोज्ड, बोलो पी बी भी बी, ये एन टी ए था बाबू, एन ए आर सॉरी एन बी आर और क्या चीज टी बी, चलो बोलो पी बी कितना होगा निकालना है हम लोगों को, भी बी कितना होगा 15, एन ए कितना था एन बी सॉरी एन बी हाउ मच निकाला था मैंने 160 बाय 32, कितना आएगा 5 मोल, 5 × 0.08 इंटू टी बी कितना आएगा इज गिवेन 400 केल्विन। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स आता है 10.66 ATM। अब बताओ प्रेशर इधर क्या है ज्यादा और इधर प्रेशर क्या है कम, तो क्या होगा, गैस विल मूव फ्रॉम बल्ब ए टू बल्ब बी, सो नंबर ऑफ मोल्स
एट बल्ब ए विल डिक्रीज व्हेन, कब? स्टॉप कॉक इज ओपन, जब स्टॉप कॉक ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। कब? व्हेन स्टॉप कॉक इज क्या चीज बाबू, ओपन, स्टॉप कॉक इज ओपन। ठीक है, चलो पहले इसको नोट करो फास्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्या चीज ओपन, आओ देखें क्या होता है, देखना। सेकंड, व्हेन स्टॉप कॉक इज क्या चीज बाबू, ओपन। अब ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को बाबू, स्टॉप कॉक इज ओपन तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स एट दिस साइड विल डिक्रीज और इधर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो दो इक्वेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाबू। देखो, बल्ब ए में क्या होगा बताओ, इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिक्रीज, और इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इंक्रीज। बोले क्या लिखेंगे, पी ए भी ए माइनस क्या चीज, एन ए माइनस क्या लिखना पड़ेगा, एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इधर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इधर प्रेशर क्या था ज्यादा, इधर प्रेशर क्या था कम। सही बाबू, एन ए एक्स, ये अब ए नहीं, इसको कहेंगे पी फाइनल, क्या चीज, पी फाइनल, और क्या चीज आर, और क्या चीज टी ए। तो देखो बाबू, पी फाइनल वॉल्यूम कितना है 10, एन ए कितना था, नंबर ऑफ मोल्स 10, माइनस क्या चीज एक्स, आर, आर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.08, और टी ए कितना है 300 केल्विन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हुआ, वन। कैसे सॉल्व करते हैं बस समझिएगा, इक्वेशन वन, कैसे हम लोग फाइनल प्रेशर निकालेंगे, व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन कैलकुलेट क्या चीज, प्रेशर, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट प्रेशर। देखो दूसरा क्या होगा बताओ, बल्ब बी में पी फाइनल भी बी एन बी और प्लस क्या चीज एक्स, इधर से मूव करना स्टार्ट किया, इधर से मूव करेगा, ठीक है, क्या होगा आर, और क्या चीज टी बी। तो पी फाइनल भी बी कितना होगा बाबू, वॉल्यूम 15 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एन बी, एन बी कितना है 5 प्लस क्या चीज एक्स, आर को 0.08 इंटू 400 केल्विन, ये इक्वेशन क्या चीज टू। आपको फाइनल प्रेशर निकालना है तो कुछ करना नहीं है बाबू, अब दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, इक्वेट। अब देखिए दो दो अनफाइंडिंग है यहाँ पे, दोनों जो आपको नहीं मालूम, पी फाइनल और क्या चीज एक्स, किसी एक का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, बोलो 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 2, क्या होगा बताइए, पी फाइनल भी ए भी कितना है बाबू 10 डिवाइडेड बाय पी फाइनल इंटू क्या चीज 15 इज इक्वल टू हाउ मच, 10 माइनस एक्स इंटू 0.08 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स इंटू 0.08 इंटू 400। देखिए पी फाइनल, पी फाइनल खत्म, दो और ये क्या चीज 3 बाबू, 00 00 खत्म, आर आर क्या चीज खत्म, क्या होगा 2/3 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स इंटू क्या चीज 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स इंटू क्या चीज 4। सही है, कितना है बाबू 2/3 इज इक्वल टू 30 माइनस 3x बाय 25 प्लस क्या चीज, सॉरी 20 ना, 20 प्लस 4x, 20 प्लस 4x। सही है, बोलो क्या होगा 40, ये इधर चला गया बाबू, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बोलो 40 प्लस 8x इज इक्वल टू 30, सॉरी 90
-9x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 50, और x इज इक्वल टू 50 बाय क्या चीज, 17, अप्रॉक्स कितना आ गया बाबू, 3, x इज इक्वल टू क्या चीज, 3, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो आप बोल सकते हैं 3 मोल्स। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स बताएगा कितना हो जाएगा, तो 10 मोल्स था, अब 3 मोल्स और गेट 7 मोल्स, और इधर नंबर ऑफ मोल्स अब कितना हो जाएगा, 5 प्लस क्या चीज, 3, 8 मोल्स। सही है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम लोग को निकालना है क्या चीज, फाइनल प्रेशर। अब एक्स इज इक्वल टू 3, किसी एक इक्वेशन में आप क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा, बोलो क्या होगा, पी फाइनल इंटू 10 इज इक्वल टू 10 माइनस क्या चीज, 3 इंटू 0.08 इंटू क्या चीज, 300। अब यहां पे फी फाइनल आप निकाल लीजिए। हो गया बाबू, आज बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, चलिए बाय बाय।